Hi guys, this is a circle theorem. First, the perpendicular from the center of the circle to a chord bisect the chord. Means जो हमारा एक सेंटर है उधर से एक परपेंडिकुलर गया है कॉर्ड. आपको मालूम है ना ए बी इज़ अ कॉर्ड. कॉर्ड क्या होता है, जो हमारे एक लाइन सेंटर की बाउंड्रीज को टच करती है विदाउट पासिंग द सेंटर. मतलब जो सेंटर से टच नहीं कर रही है, पास नहीं हो रही है, बट सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड. कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. जो हमारा लाइन सेंटर से आ रही है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है. ठीक है, गिवन गिवन ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ए बी इज अ कॉर्ड. ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. मतलब ओ डी हमारा परपेंडिकुलर है ए डी. मतलब ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है. हमको ये प्रूव करना है कि ए डी इज इक्वल टू डी बी. टू प्रूव ए डी इज इक्वल टू डी बी. प्रूफ इन ट्राइंगल ए ओ डी. A O D and triangle B O D. O A is equal to O B, radius of the circle. O D is equal to O D, common. O D हमारा common है. और एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. जैसे हमें गिवन है कि हमारा ओ डी परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है. तो ओ डी ए इज इक्वल टू ओ डी बी 90 डिग्री. तो हमारी ये तीनों प्रॉपर्टीज है. एंगल ए ओ डी इज कॉन्कुरेंट टू ट्राइंगल बी ओ डी बाय साइड 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 एंगल प्रॉपर्टी. अब ए डी हमारा डी बी से इक्वल होगा. ए डी हमारा डी बी से इक्वल होगा बाय सी पी सी टी. सी पी सी टी क्या होता है, कॉन्कुरेंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्कुरेंट ट्राइंगल. जब हमारे दो ट्राइंगल कॉन्कुरेंट प्रूव हो जाते हैं तो हम उसका कोई भी करस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे से हम इसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं बाय सी पी सी टी. हमको यही प्रूव करना था कि जो हमारा ओ डी परपेंडिकुलर है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी, हैंस प्रूव्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.